हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर राज एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल परलवाइन ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो का ऐसा रिस्पांस देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और इससे भी ज़्यादा खुशी इस बात से हुई कि लोगों के फ़ोन आए। उनमें से कुछ लोग मेरे फेवर में थे, मेरा समर्थन कर रहे थे कि सही है, और कुछ लोग विरोध में थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि परलवाइन जो हमारा सिस्टम है वो किसी के बाप की जागीर नहीं है और ना ही इसका कोई चेहरा है। जागीर है तो हम सबकी है, और अगर परलवाइन का चेहरा है तो हम सब परलवाइन यूजर इसका चेहरा है। परलवाइन हमारा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा, किसी अकेले का नहीं, हम सबका। डॉक्टर अजय मोहित जी हमारे सीनियर है और वो परलवाइन विरोधी लोगों को, जो भी परलवाइन के अगेंस्ट खड़े हैं, अगेंस्ट बोलते हैं, उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, देते रहे हैं, देते रहेंगे और इन फ्यूचर भी ऐसा ही होगा, उम्मीद करता हूं। इसी वजह से मैं उनका फैन हूं। मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता, ना मैं उनसे कभी मिला हूं, ना बात हुई है, लेकिन उनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात कैसे? मेरी मुलाकात अजय सर की सोच से हुई है, जो सोच वो परलवाइन के प्रति रखते हैं, और ऐसी सोच का हर इंसान मेरे लिए डॉक्टर अजय मोहित से बढ़कर है, चाहे वो इंसान किसी भी लेवल का हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि परलवाइन का चहेता मेरा चहेता और परलवाइन के जो अगेंस्ट है मैं उसके अगेंस्ट हूं। अगर कल को डॉक्टर अजय मोहित से बड़ा कोई परलवाइन का कदरदान सामने आता है तो मैं उसका फैन हूं। इट डजेंट मैटर कि वो रूबी है या पर्ल है, चाहे वो किसी भी रैंक पर हो, वो मायने रखता ही नहीं है। बस वो परलवाइन का दीवाना होना चाहिए और शायद हमें वो पर्सन मिल भी गया है। जैसा कि आप इस ऑडियो में सुन भी सकते हैं, अगर वो सच में परलवाइन का सच्चा सिपाही है तो मैं, मेरा परलवाइन ज्ञान चैनल और वो 82 लाख यूजर जो परलवाइन के अंदर हैं, वो सभी के सभी उस पर्सन के साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम 82 लाख यूजर के हित की बात करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर वो चाहे तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर ये है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं, उसका फैन हूं, जो परलवाइन को जीता है और परलवाइन के लिए ही मरना चाहता है। क्योंकि हम 5,000 की नौकरी, 10,000 की, 20,000 की नौकरी के लिए कुछ भी कर गुजरने को हो जाते हैं, लेकिन ये परलवाइन हमें कुछ हजार नहीं, करोड़ों देगी, अरबों देगी। ये सारे का सारा पैसा परलवाइन से आएगा, तो उस कंडीशन में हमें भी परलवाइन के प्रति इतना वफादार तो होना चाहिए। जो भी पर्सन परलवाइन के प्रति वफादार है, क्रेजी है, मैं उस पर्सन के प्रति क्रेजी हूं, चाहे वो कोई भी हो। और इस आदमी को सैल्यूट है कि किसी ने तो परलवाइन के उन 82 लाख यूजर्स के बारे में सोचा और कुछ करने का प्रयास किया। मैं इस XYZ पर्सन, जिसका मैं नाम तो नहीं जानता, अगर वो चाहे तो मैं इस परलवाइन ज्ञान के मंच से उसकी हर संभव सहायता कर सकता हूं। और आप सभी इस ऑडियो को सुने और जाने, जो अभी मैं ये वीडियो ऑडियो आपके सामने पेश करने वाला हूं, आप इसे सुने और जाने कि ये व्यक्ति हमारे भले की बात कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरी नजर में तो कर रहा है, इसलिए मैंने इसे मसीहा कहा है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या यह व्यक्ति वाकई में परलवाइन का मसीहा है या कुछ और।
सुनिए। हेलो, हाँ जी पाजी, सत श्री अकाल। आप तो फिर दुआ उठा दिया आपने वीडियो से। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसमें वीडियो में। अरे आपने जो बोला वो कोई बोल ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है किसी की। पूरे पहलवान में हिम्मत नहीं है कोई बोल दे ऐसा। अच्छा आपको पता लग रहा होगा मेरे बारे में भी कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, पर्ल माइन ही कर रहे हैं ना आप, वो तो मैं जानता हूँ। माइन के साथ साथ वाइन को भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़िया। आप थे मीटिंग में, थे ये अपनी टोपाज प्लस की मीटिंग हुई थी एक? नहीं 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 सर, मैं नहीं था। लगभग 100 लोग थे टोपाज से ऊपर वाले। अच्छा, तो पूरे सिस्टम को मैंने प्रेजेंटेशन दी थी एक। अच्छा, और बताया था कि क्या क्या होने वाला है। ओके, और मेरी बताई हुई 90% चीजें पहलवान में वही हुई कि लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि... तो बेसिक ये है कि एक सिस्टम बना रहे हैं, उसमें 3 पॉइंट ऑफ एजेंडा है। पहला, अच्छा, पहला पॉइंट ये है कि जो भी आप कर रहे हैं सबसे पहले तो डीपी को चेंज करो पीवीसी मेटा टोकन में। अच्छा, दूसरा डीपी का विड्रोल आप अपनी मर्जी से किसी को भी चेंज करके नहीं दोगे, जो चाहता है वो पीवीसी मेटा टोकन ले, जो नहीं चाहता उसको विड्रोल दो। अच्छा, क्योंकि पैसा तो डीपी के बदले में आपके पास आया है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्री में तो आपने दिया नहीं। सही बात है, तो विड्रोल दो, वो भी जिसकी मर्जी है उसको पीवीसी मेटा टोकन ले ना ले वो अलग बात है। जो 50 BUSD लोगों से ले रहे हो आप, उसमें से 25 हमें दो। सही बात, और पूरा का पूरा सिस्टम में बांटो। ये सेकंड पॉइंट ऑफ एजेंडा है। ओके, तीसरा एडमिन जो है वो सामने आए, नहीं आएगा तो धक्के से ले आएंगे। ओके, से कोई कार्रवाई करनी पड़े सामने ले आएंगे। और फिर आखिरी में हमने जितने पैसे इकट्ठे करके दिए और हमारी जितनी बड़ी टीम है उस हिसाब से हमें बताइए क्या मिलेगा। कॉम्पेंसेट करें ना। बिल्कुल कॉम्पेंसेट करना चाहिए, इतने पैसे दिए ना सिस्टम को। विजय पंडित जी, श्रीराम सूर्यवंशी जी, सुनील पांडे जी, डीके मालाकर जी, केवी दुर्गा सर, डीएन श्रीवास्तव जी, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं मुहिम में। और तैयारी है दिल्ली में, अगले एक या दो दिन में दिल्ली में मीटिंग होगी। आपको ये आपको कितने पॉइंट मिले हैं? नहीं, 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ जी। ऐसा कौन सा काम किया उसने? सेटिंग, बदनाम ना करने की सेटिंग। अच्छा, फिर तो मुझे और वीडियो बनाने के लिए फिर तो मुझे और वीडियो इनके लिए बनाने चाहिए। तभी मिलेंगे ना आपको। जो बोलेगा उसी का मुंह बंद करना पड़ेगा। सही बात है। मतलब अभी तो आखिरी पॉइंट को समझे नहीं, अभी एजेंडा वो सुनो। एडमिन जो वो सामने आएगा। अच्छा, बिना सामने आए आगे काम नहीं करेंगे। अच्छा, और जो भी काम करेगा हमारी सलाह से करेगा। क्योंकि मेरी एक मजबूरी होगी ना, यदि पार्लमाइन मर गई गलती से, तो आप समझते हैं पार्लमाइन का क्या होगा? फायदा ही होगा सर, कोई नुकसान नहीं। फायदा नहीं होगा सर, नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा सर, 82 लाख लोग मर जाएंगे सर, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है मेरे लिए वो सारे मर जाएंगे। सर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर इन्होंने मारना ही होगा ना तो मारेंगे। लोकल लोकल प्लान है, लोकल प्लान ब्लॉकचेन पे लाएंगे ही नहीं। अरे आप देखते जाइए, मुझे आपका साथ चाहिए थोड़ा सा। सर मैं तो सबके साथ हूँ, पब्लिक का फायदा होना चाहिए, पब्लिक छोटे में है, पब्लिक का नुकसान है। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा आपको साथ खड़ा होना पड़ेगा मेरे। एक टीम बिल्डअप कर रहे हैं, आप भी आइए, मिलजुल के कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हर बंदे को फायदा हो। सर कोई भी फोरम बने तो सही, यहाँ पे कुछ बनता तो है नहीं, सबकी अपनी डफली अपना राग है, कम्युनिटी इकट्ठी हो नहीं सकती है। कर देंगे चिंता ना करो, यदि कर दी तो आ जाओगे ना? कर दी तो आ जाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि सबका अपना माइंडसेट है, वो चेंज नहीं होगा आसानी। यदि टॉप 10 लीडर आपके साथ आ जाए तो? आ तो गए पहले, हर चीज आ गए हैं सर, प्रेडिक्शन पे है ये चीजें, अभी तक ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। ऑन ग्राउंड ले आएंगे सर, बस आप साथ खड़े हो जाओ। खड़े हो जाएंगे सर, कुछ चीजें होंगे तो साथ खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फोन करूंगा और एक मीटिंग में आपको बुलाऊंगा। आपका लेवल क्या है पार्लियामेंट में? सर मैं तो क्वार्ट से हूं, मेरा अभी लेवल भी नहीं है। बस ठीक है, तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आप ही आइएगा। ठीक है, चलेगा सर, कोई दिक्कत। हां डेली मीटिंग हो रही है, कहां पे आइएगा उसमें? चलेगा, ठीक है, ओके।
जय हिंद, जय भारत, जय पर्लवाइन।